हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। साथियों, आज हमारे खेत में जो काम चला है वो आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, हमारे खेत में आलू की बिजाई हमने की हुई है और आलू की अभी 5-7 दिन में हार्वेस्टिंग होने वाली है। ये देखिए, आलू का जो तना है ना, लगभग सूख चुके हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अभी इसमें जो आलू है उसकी उखाड़ने की तैयारी करेंगे। देखिए, आपको आलू दिखाई भी दे रहे होंगे ये वाले। तो अभी कर क्या रहे हैं, हार्वेस्टिंग से पहले जो इसके अंदर घास है, और घास भी इतने प्रकार का घास है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये घास आ जाता है भाई। एक तो देखो, सबसे मेन तो ये बथुआ, ये बथुआ ये है। दूसरा एक ये पीले फूलों वाला है। तीसरा एक ये देखो, अलग ही प्रकार का, वैसे तो पित पापड़े की वराइटी है, गजरिया घास बोलते हैं इसको, जमीन पर फैलता रहता है, बांस भी आती है इसके अंदर। चौथा देखिए कि अलग ही वैरायटी है, इस पे इस प्रकार से भूमि आंवला की तरह ये लगते हैं। ये है और भी एक, ये गुल्ली डंडा है, चौथे प्रकार का घास। देखिए किस तरह फैला हुआ है, ये वाला ये देखिए। एक इसके अलावा ये वाला है, पालक की तरह होता है, ये घास हो गया। एक इसी का एक अलग से रूप है, ये वाला, ये देखिए ये वाला घास अलग है इसके अंदर। और इतने बड़े बड़े ये देखिए कितना घास है। तो ये लगा लो कम से कम 7-8 तरह का घास अपने आप उत्पन्न हो जाता है। और ये देखिए, पूरे खेत में आपको घास ही घास नजर आ रहा होगा। बीच बीच में कई बार उखाड़ भी चुके हैं, लेकिन ये घास अपने आप फिर भी उत्पन्न हो जाता है। तो हार्वेस्टिंग से पहले करना क्या होता है, इसकी हम देखिए दराती की सहायता से, मेरी माँ लगी हुई है, दराती से इसको अलग करना होता है। जब हम इसकी ट्रैक्टर चलेगा, इसमें आलू को हाथों से चुगा जाएगा, तो ये आपको दुविधा नहीं देगा, अड़ास नहीं देगा मतलब। तो इस प्रकार से दराती से काटना पड़ेगा ये। किसी किसी के तो देखेंगे आलू में इतना ज़्यादा घास खड़ा हुआ है, जो आलू को पावर मिलनी चाहिए, जो ज़मीन में पोषक तत्व होते हैं, जो विटामिन मिनरल्स कैल्शियम फास्फोरस ये होते हैं ना, ये आलू को मिलने चाहिए, लेकिन सारा ये घास खा जाता है, तो आलू कमज़ोर होते हैं। ये देखिए इस साइड बिल्कुल कम घास है, और ये अभी निकालना बाकी है, उधर भी निकालना बाकी है, इस साइड हमने निकाल दिया है। तो आज लगे हुए हैं दराती से इस घास को निकाल कर बाहर फेंकने वाले हैं, ताकि आलू की जब हार्वेस्टिंग हो तब हमें कोई भी दिक्कत ना हो। ये देखो भाई, इस प्रकार से निकालना होता है। तो भाई आलू भी दिखाऊंगे आपने, एक दो दिन में हार्वेस्टिंग होने वाली है। एक बार इसका घास निकाल लेते हैं, 6-7 तरह का घास हो गया है खेत में। तो भाई एक एकड़ में लगा रखे हैं, कमेंट करके बताओ भाई कितना उत्पादन निकल सकता है हमारे खेत में।